अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर ने एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया और उसमें उनके बहुत से बयानात जो हैं बड़े पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं जिनको आज के प्रोग्राम की हम जीनत बनाना चाहेंगे और उनको हाईलाइट करना चाहेंगे। तवील अरसे से पाकिस्तान एक ऐसी जंग का हिस्सा है जो हमारी जंग है ही नहीं। पराए घर में आग लगी है लेकिन वो आग हमारे घर में आ चुकी है। जहादे अफगानिस्तान से शुरू हो जाएँ तो उससे लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब अमेरिका का इतिहादी बनने का फ़ैसला किया उस वक्त तक पाकिस्तानी सरजमीन पे जो कोई भी खून रेजी हुई वो पाकिस्तानी जितने भी बच्चों की जान गई जितने पाकिस्तानी सिपाहियों ने शहादत पाई नौजवान बिल्कुल पाकिस्तान के यंग लेफ्टिनेंट कर्नल्स कर्नल्स कैप्टन्स सेकेंड लेफ्टिनेंट्स पता नहीं ला तादाद कितनी तादाद में हमने वो शहादतें वहाँ से उठाई वो तादाद ज़्यादा है जो हमने इंडिया के साथ जंगों के अंदर पाकिस्तानी कौम के बेटे कुर्बान किए उनकी तादाद इस 9/11 के बाद वाली जंग में शहादत पाने की तादाद उसकी नस्बत ज़्यादा है। तो अब एक बड़ी केयरफुल वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी चाहिए कि वो आग पाकिस्तानी सरजमीन पर ना आए। ये बड़ा मेक श्योर करना पड़ेगा। जनरल ज़िया ने फैसला किया था पाकिस्तानी सरजमीन को लॉन्च पैड बनाने का। पाकिस्तानी सरजमीन पे तरबियत दी गई थी अफगान जहादियों को, पूरे CIA ने अमेरिका ने उसको फंड किया था और पूरी इंटरनेशनली एक्नॉलेजमेंट थी। जनरल ज़िया को शायद उसकी ज़रूरत होगी, मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने टेक ओवर किया हुआ था, उसको अप्रूवल चाहिए थी और वो मंजूरी भी होगी। पूरी दुनिया पूरा वेस्ट पीछे भी आ गया। हमें क्या नुकसान हुआ? हमारे यहाँ क्लाशनकोफ आई, रेडिकलाइजेशन आई, मुसल्ला जत्थे बने। ये जो लश्कर और सिपाह ये उससे पहले पाकिस्तानी सरजमीन पे नहीं थे, उसके बाद वाले सालों में पाकिस्तानी सरजमीन पर आए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को टेक ओवर किया तो फिर 9/11 के वाकयात हो गए। 9/11 के बाद वो जो जहादी थे वो अब टेररिस्ट बन गए। अमेरिका को दोबारा ज़रूरत पड़ी, हम दोबारा इतिहादी बने और हमने 3 बेसिस भी पाकिस्तान की जैकबाबाद एयरबेस, शहबाज एयरबेस, शमसी एयरबेस वो अमरीका के हवाले कर दी। वो जंग जो तोरा बोरा के मैदानों में और पहाड़ों में लड़ी जानी थी वो पाकिस्तानी इलाकों में आ गई और पाकिस्तानी बच्चे शहीद हो गए। अब उससे बचना है और अब मुंतखब की आदत है, कोई प्रेशर वो नहीं होना चाहिए कि एक डिक्टेटर को अपनी यूनिफॉर्म की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए मजबूरी है कि वो कोई बेस हवाले कर दे। इस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है वो काबिल तारीफ है और उससे भी अच्छा होगा प्राइम मिनिस्टर अगर ये कौमी असम्बली के अंदर एज ए पॉलिसी स्टेटमेंट इसको लेकर जाएँ और अपोजिशन इसको यूनानिमसली अप्रूव करे। वो हमारी कौमी पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होगी। इसमें प्राइम मिनिस्टर छोटे नहीं पड़ेंगे बल्कि उनकी इस पॉलिसी को सराहा जाएगा कि वो कौमी असम्बली में उन्होंने अपना बयान रखा और अपोजिशन सारी ने बगैर किसी इसके ऊपर सवाल उठाए हुए इसकी मंजूरी दी। ये मेरी तजवीज़ है, मर्जी प्राइम मिनिस्टर साहब की है। प्राइम मिनिस्टर का जो पहला सवाल था मैं उससे CIA के चीफ के विज़िट के हवाले से करना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहले ये खबर जिसका आगाज़ हुआ था 2 इश्यूज़ की बिना पर हुआ। एक अमरीकी वज़ीर दिफा जो थे उन्होंने पाकिस्तानी आला हुकाम से बातचीत की बेसिस के हवाले से, फिर CIA चीफ का अनअनाउंस्ड विज़िट हुआ और उस अनअनाउंस्ड विज़िट के ऊपर US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि बेसिस वाला इशू और अदर इशू सारे इशूज़ डिस्कस हुए, मैं किसी एक को स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। ब्रॉडली छोड़ गए उस बात को कहते हुए लेकिन साथ इशारा कर भी दिया कि बेसिस की बात हुई है। उससे पूरी दुनिया में एकदम से आग लग गई। न्यूयॉर्क टाइम ने और बाकियों ने खबर छापी और हमने भी इस प्रोग्राम में उनका वो स्टेटमेंट चलवा के मुतालबा किया कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करें। अब उनसे इंटरव्यू में सवाल हुआ CIA चीफ के मीटिंग और विजिट वाला, तो क्या सवाल था और क्या जवाब था सुनिए। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि CIA चीफ पाकिस्तान आए, मैं उनसे नहीं मिला। यहाँ खबर ये चली बाद में, जब ये खबरें चलीं तो प्राइम मिनिस्टर ने मिलने से इनकार कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं उनसे नहीं मिला लेकिन हमारे ISI के सरबराह उनसे मिले। CIA चीफ और ISI के सरबराह कोई अनयूजुअल मीटिंग नहीं, उन्होंने कहा 9/11 के बाद ऐसी मुलाकातें मुसलसल हो रही हैं। क्या आप पाकिस्तानी बेसिस उनको देंगे? प्राइम मिनिस्टर का बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, दिखाएगा जी। उससे भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो आते हैं हमारे साहलों के ऊपर अपने बहरी बेड़े लगाते हैं और क्रूज़ मिसाइल जलालाबाद पे फायर किए थे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और 9/11 के बाद भी वो ये रास्ता इस्तेमाल करते रहे, पाकिस्तानी एयर स्पेस अफगानिस्तान में अटैक के लिए यूज़ करते रहे। प्राइम मिनिस्टर से सवाल हुआ और उसका भी बड़ा वाजे और क्लियर जवाब है कि 20 साल में आपने बमबारी करके क्या कमा लिया है जो अब आप करना चाहते हैं और हम क्यों इसका हिस्सा बने, दिखाएगा जी। गुड आंसर। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब बाइडन के पास वक्त होगा और वो बात करना चाहें मुझे कॉल कर लें, मैं दस्तयाब हूँगा, बात कर लूँगा। उनसे सवाल किया कि आप किस किस्म की सपोर्ट चाहते हैं अमेरिका से, कि वो अमेरिका आपके लिए क्या कर सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब कश्मीर के हवाले से कि अमरीका चाहे तो यूँ पलक झपकते में ये मसला हल हो सकता है, दिखाएगा जी। न्यूक्लियर के ऊपर और चाइना के ऊपर बहुत से सवाल आते हुए, चाइना वाले इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कुछ सवालों से बचते हुए दुश्वारी हुई। एक चीज़ के ऊपर उन्होंने पोजीशन ली और शायद ज़्यादा मजबूती से ले सकते थे, जहां उन्हें कहना चाहिए था कि आप चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के ऊपर सवाल कर रहे,
हम भी उस सवाल को चाइना से डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको 9 मिलियन जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए, ये कहा उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा उस सवाल में फंस गए। न्यूक्लियर वाले इशू के ऊपर भी सवाल हुआ, न्यूक्लियर वाले इशू के ऊपर भी जवाब क्या है दिखाइएगा। एक इशू ऐसा है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के ख्याल जो हैं वो शायद पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़ के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी सोच जो है उसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। एज़ ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इस्लाम में जो पर्दे का असूल है वो लागू होता है, लेकिन इस्लाम में क्या मर्द को इजाज़त है कि वो जाए और बदमाशी करे, या वो काम जो उसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है मर्द के लिए हलाल है औरत के लिए ममनू है? ये नहीं है। औरत के लिए पर्दा करना एक ख़ास जो इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक बहुत अच्छी और अफजल तरीन चीज़ है कि उसको किया जाए, लेकिन क्या तमाम मर्द हजरात अपने आप को उसी तरीके से ड्रेसअप करते हैं या अपनी नज़रें वैसे ही झुका कर रखते हैं जैसे इस्लाम के अहकाम हैं? क्या उनको भी फिर कत्ल करने का हुक्म होना चाहिए जब वो उनकी नज़रें कोई ऐसी गुनाह सरजद करें? प्राइम मिनिस्टर के ख्यालात इसमें मर्द के मामले में और हैं, औरत के मामले में और हैं। वो 7 साल की बच्ची ज़ैनब, उसको किस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए था जिसका कसूर में रेप करके, कोई कसूर नहीं था उस बच्ची का, उसको रेप करके मर्डर कर दिया गया। और पता नहीं कितनी ज़ैनब है, ज़ैनब एक सिर्फ सिंबल के तौर पर हम नाम के तौर पर बता रहे हैं, उस ज़ैनब का क्या कसूर था और वो कैसा लिबास ज़ेब तन करती? वो 3-4 साल की बच्चियां जिनकी खेतों से लाशें मिलती हैं उनको माएँ क्या कपड़े पहनाकर बाहर भेजें कि उनकी ज़िंदगी बच सके? तो प्राइम मिनिस्टर के ये ख्याल जो हैं उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उनको अपने स्टेटमेंट को बेटर स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। ये कहें कि इस्लाम में जो पर्दे का असूल है वो बेहतर है, लेकिन दूसरे इशू को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या इस पर, सुनिएगा जी। प्राइम मिनिस्टर अपने ख्याल इस पर बेहतर करें, बहुत अफसोस हुआ मुझे उनकी ज़बानी ये बात सुन के, इसके ऊपर ज़्यादा मजबूत पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए। ये उन्हें कहना चाहिए कि इस्लामी तरीक़ाकार जो है वही बेहतर है, लेकिन दूसरे इशू पे वो ऐसे ही है कि वो एक वो पकड़े गए हैं साहब, उनका नाम है अज़ीज़, मैं उनके साथ ना कोई मौलाना कोई मुफ्ती नहीं लगाना चाहता। उन्होंने जैसे वो एक कवि साहब हैं वो कंदील के मामले में वो बच निकले हैं और पता नहीं कितनी और ख़वातीन के साथ वो फ़ोटोएँ खिंचवाते फिरते हैं, उनके साथ मुफ्ती नहीं लिखा जाना चाहिए। तो अज़ीज़ साहब के उस वाक़े के बाद बजाय ये कि सारे बाकी मौलाना हजरात और मुफ्ती हजरात उनको डी नोटिफाई करें कि ना वो मुफ्ती है ना मौलाना है और उसके इस काम की मजम्मत करें, हमने ऐसे बयान यहाँ सुन लिए हैं जहाँ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो खुदा का खौफ करें कुछ, अल्लाह पाक इस कौम के ऊपर रहम करें। हमारे साथ जो आज शुरू करें गुफ्तगू के लिए जरताज गुल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तलाल चौधरी साहब PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे, दोनों को खुश आमदीद। जरताज, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेसिस के हवाले से और स्पेस एयर स्पेस के हवाले से बयान आते हैं, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, काबिल तारीफ़ है, आप इसको हाउस में भी लेके जाइए इस बयान को। आई होप कि अपोजिशन से अभी तलाल साहब से पूछूंगा, वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इनफैक्ट मैं यही बात करना चाह रही थी क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि 9 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाना गए थे ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, जो एक रैली उन्होंने निकाली थी, मैं भी उसका हिस्सा थी, और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि हम उजरती कातल नहीं बनेंगे, हम पराई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जिस वॉर ऑन टेरर में जिसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं था, और जब हमें जब आपने एक डिक्टेटर का जिक्र किया, जब हमें वहाँ से कहा गया था कि हमें कहा गया कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, यानी कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, इस तरह करके हमें कौम को डराया गया था, और उसमें 70 से 80 हज़ार लोगों की जाने गई, और उसमें 970 के करीब जो है ड्रोन अटैक्स में लोग शहीद हुए। यह अपनी टेरिटरी की बात कर रही हूँ जो हमारे मुल्क के अंदर हुए, और उसमें 360 पीपल्स पार्टी के दौर में अटैक्स हुए, बाकी आप -140 जो है PMLN के दौर में, और 124 के करीब जो है उसमें हमारे पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए। वॉर ऑन टेरर की कलेक्टरल डैमेज की बात कर रही हूँ, एक ही मदरसे के ऊपर 80 बच्चे शहीद। एग्जैक्टली आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड भी वज़ीरिस्तान का है, और हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी ख़वातीन जो है जब नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन था, उन्होंने आर्म फौज के साथ खड़े हुए थे, खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, कॉन्वाय को आर्मी के कॉन्वाय को प्रोटेक्शन दिया करते थे क्योंकि हम चाहते थे कि फाटा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। तो वहाँ पे जब 120 बिलियन से ज़्यादा $ का आपका GDP का या इकोनॉमी का लॉस आपका हो जाए, जहाँ पे 70 से 80 हज़ार आपके अपने पाकिस्तानी शहीद हो जाए, जहाँ पे आपसे 124 समेत और 970 के करीब आपके पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स के अंदर शहीद हो जाएं, आपका एक्स जो है वो वॉर ऑन टेरर में कुत्ते वक्त या उजरती कातिल बनते हुए कहे कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, या फिर आपका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसका जिक्र जो है वो विकीलीक्स में भी आया, जिसमें एन पीटरसन जो उनकी अमेरिकन एम्बेसडर थी पाकिस्तान में, रहमान मलिक साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और यूसुफ रजा गिलानी जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उसने उसमें जिक्र किया है
कि इसको ये लोग प्रेडेटर कहते थे, ड्रोन अटैक्स के ये लोग प्रेडेटर कहते थे, कि जो बाजौड़ में रहमान मलिक ने कहा जो बाजौड़ में आप ऑपरेशन कर रहे हैं उस वक्त तक आप ड्रोन अटैक्स रोक दें। तो उन्होंने कहा कि एन पीटरसन के अल्फाज है कि यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आप छोड़ दें, मेरे पाकिस्तानियों को मारने दें, ड्रोन अटैक्स करने दें, मैं जाके पार्लियामेंट में या मीडिया के सामने सिर्फ मजम्मत करता रहूँगा। तो एटलीस्ट मलिक साहब आज वो दिन तो आया मेरे समय जिसका अपना भाई शहीद हुआ हो बम ब्लास्ट के अंदर, एटलीस्ट मेरे दिल को वो सुकून, वो थोड़ा सा एक जो कर्ज था या जो एक तकलीफ थी वो कहीं ना कहीं से तो डॉट फेल हुआ ना, कि आज वाकई कौम का सर झुका के नहीं आंखें उठा के चलने का वक्त। और ये पुलवामा के टाइम पे भी आया था, पुलवामा के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिंदुस्तान को आंखों में आंखें डाल के कहा था कि अगर तुम मेरी सरजमीन पे हमला करोगे तो फिर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह के। तो आज एटलीस्ट बहादुर कौम बनने का, और दूसरे कि मुझे सबसे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी अजीज़ है, मुझे सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत अजीज़ है, मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी अजीज़ है, और उजरती कातिल हम नहीं बनेंगे, क्योंकि उजरती कातिल का होने का हम पहले ही इतना बड़ा नुकसान कर चुके हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 7 सितंबर को एस्केलेशन होगी अफगानिस्तान से, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं जो नई आने वाली जो हुकूमत होगी, अगर हम अपने अड्डे उनको दें तो क्या वो हमारे साथ एट पीस रहेंगे? तो मैं समझती हूँ एटलीस्ट बहादुर फैसला, कौम बहुत खुश है। और आपका ये पॉइंट कि आप कहते हैं कि इसको पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं है। तलाल चौधरी साहब आप फरमाइए, आप क्या चाहेंगे इस इशू को कैसे लेकर आगे चला जाए? बहुत हसास मामला है और हमें पूरी यूनिटी और फोर्स के साथ खड़ा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि कौमी मुफाद के हवाले से ज़रूरी हैं उस पर बड़ा जोर दिया। और पहले भी सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये जो बेसिस का मामला था, अड्डों का मामला था, ये हाईलाइट आप अपने टॉक शोज में करते रहे, ये वाकई बहुत अहम मामला है। लेकिन मलिक साहब मेरे दो तीन, एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं पहले भी इस पे इजहार ख्याल आपके सामने कर चुका हूँ, अब भी देखिए, अगर ये सबसे पहले तो इंटरव्यू कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है कि जहाँ पर आप इतनी बड़ी पॉलिसी बयान दें और उसको फिर हम ये समझे अपोजिशन या पूरा पाकिस्तान कि ये बिल्कुल अब इसे टस से मस नहीं होंगे। हमारे पीछे दो तीन एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लगता ये है कि हम प्रेशर ले लेते हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा मलेशिया इंडोनेशिया वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो होना थी, और उसमें जब प्रेशर सऊदी अरब से हम पर आया तो फिर हम उससे पीछे हट गए। इसी तरह जब हमने पायलट पकड़ा तो उस पर बाद जब हमें प्रेशर आया तो 24 घंटों में हमें पायलट वापस करना पड़ गया। सो प्रेशर लेके पॉलिसीज को हम दोबारा यू टर्न या बदलने की पीछे तारीख है, ये बहुत अहम मामला है। इसमें सबसे पहले तो पार्लियामेंट में अंदर आके आगाह करना चाहिए कि ये इन पर प्रेशर कौन कौन से हैं। उसके बाद सारी जो लीडरशिप है वो सिर्फ ये नहीं कहती कि आप इंटरव्यू या तकरीर में कह दें, बल्कि लीडरशिप ये कहती है कि आप सारे लोगों को इकट्ठा लेके कौमी मुफाद के पीछे खड़े करें, और सारे लोग खड़ा होंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं, हमारे बड़े इख्तलाफात थे पीटीआई से और दूसरे, उस वक्त धरना चल रहा था, दहशतगर्दी की जंग इसलिए कामयाब हुई, कराची का अमन इसलिए आया कि हमने तमाम सियासी जमातों को जिनसे हमारा इख्तलाफ भी था एक टेबल पर बिठाया, हमने एपीसीज बुलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होस्ट की, हमने अपने गिले शिकवे सियासी बुलाए लेकिन कौमी मुफाद में खड़े हुए। फिर आया यमन का मामला, यमन के मामले में पार्लियामेंट ने जो रोल प्ले किया, जो पार्लियामेंट से आवाज उठती है वो दुनिया उसको सीरियस लेती है, किसी एक इंटरव्यू से उठने वाली आवाज को शायद इस कदर सीरियस ना लिया लेकर आती है। तलाल चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस देते हैं तो यूनानिमसली आप सपोर्ट करेंगे इसको, वेलकम करेंगे इस स्टेटमेंट को? देखिए ये सबसे पहला मामला तो ये है कि पार्लियामेंट में लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसको मैं एंडोर्स करता हूं, ये पहला होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स पार्लियामेंट के सामने रखें, तमाम पार्लिमानी जमातों को इन कैमरा या जिस तरह भी ये चाहे उनको इजहार ख्याल का अपना मौका दें। पब्लिक स्टेटमेंट है, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक स्टेटमेंट है कि हम प्राई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने अड्डे फ्राहम नहीं करेंगे। ये बयान अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस देते हैं तो आप उसको वेलकम करेंगे, हाँ या ना? नो इफ्स एंड बट्स, हाँ या ना? नहीं, देख मैं वही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में लेकर आए, ये कौमी मुफाद का मामला है और हमने इसको यमन की जंग करेंगे करके दिखाया है कौमी, आप सपोर्ट करेंगे तलाल चौधरी साहब, आपकी जमात वेलकम करेगी इसको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हम तो बेताब, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ लाए ताकि हम इस पे पूरा पीछे खड़ा हो कौमी मुफाद के। कश्मीर का मामला हमें बाहर से पता चलता है,
हमें इसराइल की एक्सेप्टेंस का मामला ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लूं, तलाल चौधरी साहब ठीक हो गया कि नून लीग इस इशू को अगर प्राइम मिनिस्टर ये बयान फ्लोर ऑफ द हाउस दें कि हम अपने अड्डे अमरीकियों को नहीं देंगे, हम प्राइज जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ये पॉलिसी स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस दें, नून लीग इसको वेलकम करेगी, तलाल चौधरी साहब का वादा है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अफगानिस्तान में अगर मुकम्मल तालिबान टेक ओवर हो जाता है, जिसका अंदेशा और ख़तरा सरों पे मुंडला रहा है, अमरीकी जो है वो छोड़ने का ऐलान करके भाग रहे हैं, बकायदा अपनी वो दुम दबा के, नहीं बंदा भागता, दुम दबा के भाग रहे हैं, और जो अफगान नेशनल आर्मी जिसके ऊपर उन्होंने अरबों डॉलर लगाए भी और उसको असला भी दिया, वो सरेंडर कर रहे हैं तालिबान ग्रुप्स को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, रोज़ाना की तादाद में उसकी वीडियोज़ आ रही हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन है जो पहले हमारे यहाँ स्पिल ओवर हुई थी और दोबारा उसका ख़तरा मौजूद है, हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर क्या कह रहे हैं दिखाएगा जी। जरताज शायद आपसे बेहतर इस इशू के ऊपर कोई और रोशनी नहीं डाल सकेगा। सेंट्रल एशियन के लोग हमारे वज़ीरिस्तान वाली बेल्ट में 9/11 के बाद उनसे सूरत हाल एक नई डेवलप हो गई थी कि इनकी थी कि इनसे हम कैसे निपटेंगे। अफगान ये जहादी थे जो उसामा के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे या पूरे अरब वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, वो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में आ गए थे। अफगान पाकिस्तान में ढेरों की तादाद में मौजूद है, अभी भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट उनकी जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये जो ख़तरा है इसके ऊपर आप प्रिपेयर्ड हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है इसके। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि 30 लाख के करीब तो हम होस्ट कर रहे हैं अफगानियों को जो हमारे मुल्क में रहते हैं, और जिस तरीके से हम उनकी एजुकेशन, हेल्थ और उनका ख्याल रखते हैं, इससे ज़्यादा तो दुनिया में कहीं पर मिसाल ही नहीं मिलती। जब शाम से बचे गए तो बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए गए, तो वो मनाजिर भी दुनिया ने देखे हैं कि वो एक दिन के लिए भी इमिग्रेंट्स का बोझ नहीं उठा सके, चाहे वो वॉर के ज़रिए गए थे या क्लाइमेट चेंज के ज़रिए जाए, किसी भी रीज़न की वजह से अगर IDPs भी बने। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 30 लाख लोगों को होस्ट कर रहा है जो कि अफगानिस्तान से आए हुए हैं, इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं मिलती। जिनको आप होस्ट करें अगर तो वो पीसफुल हैं फिर और बात है, लेकिन आपके वजीरिस्तान वाली साइड पे उज़्बेक ने हमारे लोगों की जो जान और खून रेजी में जो रोल अदा किया, उज़्बेक नेशनल हमारे इलाकों में थे। मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी के वो जो थे उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी हमारे इलाकों में थे, फिर वो तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाले भी हमारे इलाकों में थे। मैं उसी पॉइंट की बात करी हूं। तोरा बोरा में बॉम्बिंग हुई तो वो सारे स्पिल ओवर जो हमारे इलाकों में हुआ वो भी हमारे साथ नहीं, पे हमारा बच्चे हमारे शहीद हुए। मलिक साहब, जो हमारा नेशनल रिकंसिलिएशन या जो तमाम पार्टीज ने कहा था कि हम टेररिज्म के खिलाफ यकजा होंगे, जब हमने अपने 126 दिन का धरना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर ख़त्म किया था, वो हमारा APS का वाक़ हुआ था। उसके भी शायद आपको पता है कि अफगानिस्तान से ही जो एक मौलाना के जहाँ पे उन्होंने मस्जिद इमाम के यहाँ पनाह ली थी, वहाँ से भी वहीं से ही ताने बाने मिले थे। जब आप अफगान वार को देखते हैं ना, वो बग़ैर इम्पेक्ट्स ऑन ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान आप उसको देख ही नहीं सकते हैं। अफगानिस्तान अकेला नहीं है। अफगानिस्तान जो बर्दाश्त करेगा, ये जो अफगानिस्तान में टर्माइल होगा या जो खुदा न खास्ता ब्लड शेड होगा, उसका सारा का सारा इफेक्ट आपके ट्राइबल बेल्ट्स पे पड़ेगा, क्योंकि पहले उनको मुजाहिदीन कहा गया, यहाँ तक के लोगों ने शादियाँ की, बाद में उनको तालिबान या टेररिस्ट कहा गया। अब 350 से 400 के करीब इनके अपने क्लैंस हैं जो कि, और कबायली जो हैं वो तो जारी बात एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं करते, फिर स्टेक होल्डर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, फिर वहाँ पे जितनी रशियन वॉर लड़ी गई, फिर जो दूसरे मुल्कों के जितने वहाँ पे इंटरेस्ट थे, फिर नेटो वहाँ पे चली गई, तो आप अफगान पीस को आप इसके बगैर, पाकिस्तान के बगैर देख नहीं सकते। हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं सिर्फ मलिक साहब एक बात कहना चाहती हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इतनी सोच है और वह सोचते हैं कि मेरे नेबर्स एक अफगान मुल्क के ऊपर मेरे मुल्क से कोई टेररिज्म या मैं कोई अड्डा नहीं दूंगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर जितना इफेक्ट होगा उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतना नुकसान उठा चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ बात करते हैं, इंटरव्यू में बात करते हैं, उनका स्टांस पहले आप निकाले, वो हमेशा कहते हैं कि हम आपके पार्टनर्स हैं इन सालिसी में, इन पीस, इन पीस हैं, हम आपका कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। तो जो PMLN के स्पोक्स पर्सन समझते हैं कि हम इस बात से हम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुझे एक बीपर कर लेने में दोबारा इशू पे आता हूं। डॉक्टर मासूम यासीन जई हमारे साथ हैं, रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है मलिक साहब? आप डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक अनहोना सा वाक्य है,
थोड़ा सा उसको रिपोर्ट करने से पहले सोचा ग्रेज़ करें, लेकिन दो वाक़यात हो गए। एक मदरसे में जहाँ वो अजीज़ साहब गिरफ़्तार हैं, वो जुर्म उनका बड़ा सख्त है कि एक बच्चे से ज़्यादती की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर भी एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट हुआ है, मैं आप ही की ज़बानी जानना चाहूँगा ताकि उसमें कोई कमी बेशी ना हो। क्या हुआ? ये जो है मलिक साहब, दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, बहुत ही वो है, यानी अफसोसनाक वाकया है। लेकिन आजकल यानी सबसे ज्यादा जो 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 खतरनाक बात है वो ये कि सोशल मीडिया के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर लोग इस तरह फ्रेंडशिप्स जो हैं वो बना लेते हैं, और फिर ये है कि ये जो विक्टिम है ही लैंडेड इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल, और दो इसके फ्रेंड्स जो थे वो हॉस्टल में ये वहाँ पे थे पहले से, क्लेम ये कर रहे थे कि ये एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लैप्स हुआ था वो सिर्फ इतना, ये लैप्स ये जो दोनों लड़के जो जिन्होंने ज्यादती की है वो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, ये दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और उनका क्या एज ग्रुप क्या है उनका? ये यही तकरीबन 24-25 इस एज के हैं। और जिस बच्चे से ज्यादती हुई है उसकी एज क्या है? वो भी तकरीबन यही 20-21-22 इसी एज ग्रुप का है। 20-21 साल के लड़के से 24-25 साल वाला लड़का ज्यादती कर रहा है, ये कौम लूत की मिसाल हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे पैदा हुई? सर मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत ये जो है यही चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए भी शॉकिंग है और अफसोसनाक भी है। लेकिन इस चीज का फायदा उन्होंने इस तरह ये उठाया है कि आजकल ये कोविड की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए एक साथ वो सारे के सारे वो आ गए, तो जो ये लड़का जो बाहर से ये somehow he landed in the hostel और उस कमरे तक वो पहुंच गया, और इनकी आपस में वो जो थी वो थी, और ये अनफॉर्चुनेट जो वाकया है ये हुआ है। लेकिन ये है कि ये देखना है कि अब ये सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बर्पा कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी हाइड कर रही। यूनिवर्सिटी कोई चीज हाइड नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी ने फौरन जब इस विक्टिम ने दो लड़कों को आइडेंटिफाई किया, उसी वक्त उन लड़कों के ऊपर जो डिसिप्लिन कमेटी है, स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी बिठाई गई, उन्होंने इनको जो है रस्टिकेट कर लिया। जो आरएचटी वार्डन था जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये कमरा कैसे इस चीज के लिए वो यूज हुआ, उनकी मौजूदगी थी वहां पे उस हॉस्टल में। डॉक्टर यासीन, इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि अगर ये 20-21 साल वाले लड़के को वहां बुला कर ज्यादती कर सकते हैं तो वहां पर उन्होंने और भी ऐसी हरकत की होंगी? इस बात से कोई वो जो है वो, चूंकि अनफॉर्चुनेटली यू नेवर कम टू नो अबाउट सच इंसिडेंट्स, के जब ये आपस में तय आपस में कर लेते हैं तो इस तरह की वो जो है वो हो जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पर जो भी मुमकिन स्टेप्स थे वो तमाम से। आपको डॉक्टर यासीन जई साहब को एज रेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी फ्रीक बनते हुए इन दोनों लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर केस परसू करना चाहिए, उस विक्टिम के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कर लिया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को दी गई है हमारे स्टूडेंट के हवाले से। लेकिन वो दूसरा जो है वो इन राइटिंग उसने डॉक्टर को ये इन राइटिंग दे दिया कि मैं परसू नहीं करना चाहता, आप लोग 15 को यहाँ पे ना बुलाइए, न मेरे इन दोस्तों के अगेंस्ट आप लोग कोई एक्शन लीजिए। लेकिन चूंकि वो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम एक्शन ले लें। तो उस आरएचटी या वार्डन को टर्मिनेट करना, सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं उन सिक्योरिटी पर्सनल को सबको सस्पेंड करना जिनकी ड्यूटी उस हॉस्टल के ऊपर लगी थी कि ये बच्चा एंटर कैसे हो गया। एक बात बताइएगा, मदरसों के ऊपर ये शिकायत पहले भी आई थी, ये तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का वाकया लाहौर में वो जो अजीज साहब गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने मदरसे के बच्चे से ये ज्यादती कर दी। इस्लाम में अनफॉर्चुनेट ये इस्लामिक थॉट प्रोसेस के मुतसादम है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग जो टॉर्च बेरर हैं जिन्होंने परचम उठाया हुआ है अलमबरदार हैं इस्लाम के, वो ये कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर तो सजा का बोझ भी ज्यादा है। मैंने जहां ये दूसरे स्टेप्स यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए वहां पर मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग, इमरजेंट मीटिंग जो है वो कॉल की है। इंशाल्लाह फ्राइडे की आफ्टरनून को एक कलेक्टिव विजडम जो है हम वो करेंगे कि ये क्या हो रहा है माशरे के अंदर, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बनती है, ऑफ द बॉक्स उनके साथ हमें आना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स को हम किस किस तरह से इन्वॉल्व कर लें कि वो हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ मजीद जाएं। डॉक्टर मासूम यासीन जी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमारे पास जो पॉलिटिशियन इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस है ना उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है,
वो बोझ ये है कि ये जो 22-23 करोड़ लोग हैं ना, इन 200-300 लोगों के सर पे ये जिम्मेदारी डालते हैं कि वो ऐसे कवानीन बनाएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करेंगे जहाँ उनके बच्चों का, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा हो या उनकी जान माल की इज्जत हो, वो उसका तहफ़ यकीनी बनाना हो, तो ये रोल अदा करेंगे। तलाल चौधरी साहब, ये जो दो वाक़यात हैं, एक वो अजीज़ वाला और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाला, अगर रोंगटे खड़े ना हों किसी पाकिस्तानी के इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल में फिर इससे ज़्यादा कोई शर्म का मुकाम नहीं है। बहुत ही भयानक वाक़यात, क्या करें इसके लिए, कोई तरीकाकार बताएं, इसके सदे बाप क्या हो, सख्त सजाएं खाली कह देने से नहीं होंगी, इसके ऊपर अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। कसूर के वाकयात शर्मनाक थे, तो हम उससे भी आगे चले गए। मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, और यकीनन इसका यही हल है कि तो इज्तमाई दानश जो है वो पार्लियामेंट से आती है। आप कोई भी चीज़ देख लें, आप ये देख लें अभी दहशतगर्दी की जंग कितनी देर हम लड़ते रहे, जब पूरी सियासी जमातें पीछे खड़ी हुई, जब पार्लियामेंट खड़ी हुई तो वो कामयाब हुई। इसी तरह आप कोई भी मामला देख लें, जब तक पूरी सियासी जमातें पूरी पीछे खड़े नहीं होती और जो हुकूमत है उसमें विल नज़र नहीं आती, कामयाबी नहीं मिलती। तो देखे ना, पार्लियामेंट इस्तेमाल होनी चाहिए। और दूसरे मैं एक और कहूँ, कवानीन को पे भी सजाएं नहीं होती, हमें ज्यादा गौर इस बात पे करना चाहिए कि जो मौजूदा कवानीन है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाते या सजा हो क्यों नहीं हो पाती, तो सबसे ज्यादा इस पे गौर करने वाली बात है। लेकिन आप ये देख लें कि रिफॉर्म्स की तरफ हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी, हमारा कभी कोई यानी टॉक शो जो है वो किताबें मारने पर हो रहा होगा, वो कोई दूसरे मामलों पे हो रहा होगा, वो एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी पे हो रहा होगा, पकड़ने पे हो रहा होगा। ये जो दोनों वाकयात हैं, वो मौलवी अजीज़ वाला वाक़या उसको भी लेके जाइए, और इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले वाक़े को भी आपकी जमात और पीटीआई से भी मैं दरख्वास्त करूँगा जरताज से कि ये ख़ुद टेकअप करें इस इशू को, और वहाँ पे बैठिए, कुछ फैसला करिए कि बच्चे हमारे बच्चे हैं ना जिनको आपने ये दरिंदों के आगे डाल दिया, और हम कुछ नहीं कर रहे, इसको लेके जाइए आपकी जमात, इस पर करारदाद एक मोशन मूव करे और इस पर बहस करिए। देखिए बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, कसूर वाले वाक़े पर एक कानून बनाया गया था बच्चियों के लिए, सारी पार्लियामेंट इकट्ठी हुई थी, लेकिन यहाँ कोई इकट्ठे होने वाला कोई माहौल देखे ना, पार्लियामेंट का तो राय नहीं है कि कहीं बाय बैठ के बात हो सके, और सबसे ज्यादा रोल इसमें हमारा भी अपोजिशन बनाना का पड़ेगा ना, प्ले करेंगे, लेकिन माहौल बनाना पड़ेगा। आप पहला कदम आगे उठाएं, मैं आपको दावत दे रहा हूँ आनियर कि आप पहला कदम आगे उठाएं, इससे पीछे तो कोई नहीं हटेगा ना, वहां सुबह जाइए करारदाद पेश करिए। मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, हमने पहला कदम उठाया कोरोना पे, हमारे साथ क्या हुआ, हमने मईशत में हमने कहा कि आए एक मुआहदा करते हैं मईशत के मामले पे, उस पर हमारे साथ क्या हुआ, हमें देखिए हम तो चाहते हैं कि ये जो बड़े मामला आते हैं इस पर हम बैठकर बात करें, लेकिन यहाँ माहौल नहीं बनता, उसमें बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है, वो इनको कबूल करना। जरताज से पूछ लेते हैं, अच्छा आपसे पहले जरताज से पूछ लेते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेज इस इशू पे हल हो ही नहीं सकता, मैंने इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे कहा था कि उनका बयान गलत है, एक्सक्यूजेज नहीं हम दे सकते। जरताज आपसे स्टार्ट करूँगा, ये वाक़ा तो आपने सुन लिया डॉक्टर यासिन जई से, लाहौर वाला वाक़ भी आपके इल्म में। देखिए मलिक साहब, एक तरफ हम इस बात पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी की खातिर, पाकिस्तान के वक़ार की खातिर, प्रोटेक्शन की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर एक स्टैंड ले रहे हैं, और वहाँ पे हर पाकिस्तानी कह रहा है कि मुझे पहली दफ़ा फ़ख्र हो रहा है पाकिस्तानी होने पर, ग्रीन पासपोर्ट का भी होने पर, कि जिस तरह दलेराना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टांस लिया है और उसको हम पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। जब आवाम इतनी खुश है तो पार्लियामेंट में ज़रूर ये बात डिस्कस होगी नेशनल सिक्योरिटी की, इस जो प्राइम मिनिस्टर इशू हो गया ना, दूसरे नहीं, मैं अब दूसरी साइड पर आती हूँ। दूसरी साइड पर इस तरह के अफेंडर्स हरकतें ये लोग करते हैं, सर हमारा शर्म से झुक जाता है। यकीन करें मलिक साहब, जहाँ पर इस तरह की बात होती है, लफ्ज़ इतने नपे तुले बोलते हैं, बात ऐसी कर सकती है, कोई इनसेंसिटिव बिहेवियर को ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए। आज सेनेट के अंदर एंटी रेप बिल जो है वो पास हुआ है, डॉक्टर शीरी मजारी लेकर गए, और इससे पहले जैनब अलर्ट बिल भी लेकर गई, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल है। ठीक कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सख्त से सख्त होनी चाहिए, उसमें सेक्स ऑफेंडर्स की जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन भी है, उसमें कास्ट्रेशन भी है, यहाँ तक हम तो जैनब अलर्ट बिल पे ये भी लेकर गए थे इंसानी हकूक की कमेटी, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयर करते, कि हमने कहा था कि जिधर रेप हो जाए, माइनर्स का कत्ल हो जाए, वहाँ पर तो आप उनको फांसी पर चढ़ा दें, चौकों पर लटका दें। फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने फलाने यूनियन को मुंह दिखाना है, फलाने को यूँ दिखाना है, मगर बात ये है, 20-21 साल का लड़का है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जिससे ज्यादती हुई है, लाहौर वाला जो वाकया है वो उससे भी खौफनाक है। एग्जैक्टली, अब मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पे हम पार्लियामेंट में बिल भी लेकर आते हैं, वहाँ पे हम इकट्ठे भी हो जाते हैं,
पास भी करवा लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ रवैये मलिक साहब ऐसे हैं जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी तो आपने खुद बड़े ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने कहा जो टॉर्च बेरर हैं, जिन्होंने अलम उठाना था, जिन्होंने माशरे की सलाह करनी थी, अगर उस जगह से इस तरह के हमें इमेजेस मिलेंगे और उसके बाद कुरान पे हाथ रख के आप स्टेटमेंट देंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, आवाज किसने उठानी थी? टॉर्च बेरर ने? वो खुद ऐसी हरकतें करें? यहाँ पे अब हमें नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारे रवैये चेंज हो रहे हैं, ये इस्लामी माशी इकदार की नफी हो रही है। एक मदरसे का वाक़ है, दूसरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का वाक़ है, हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होने चाहिए। काफ़ी है, इससे तो मैं कह रही हूँ कि जब ज़ैनब के वाक़ियात हम कसूर में देखते थे तो उस वक्त कसूर में ज़ैनब के वाक़या से पहले वहाँ वो दर्जनों की तादाद में बच्चे थे, लड़के जिनके साथ तो प्रॉपर एक ब्लैक जिसको कहते हैं ना कि एक पूरा नेटवर्क था जो ऑपरेट कर रहा था, और उनको रिकॉर्ड करता था एग्जैक्टली, और उस नेटवर्क का भी कुछ एंकर्स ने जब कोशिश की उसके बारे में भी मजाक उड़ाया गया कि अपनी तरफ से बातें करते हैं, वो तो बाद में जब एफआईए और साइबर क्राइम वालों ने जब उनके इंटरव्यू दिखाए। इस पे क्या करेंगे? अब वाकयात बहुत बड़े हैं, इस पे खाली बहस यहाँ प्रोग्रामों में करके आगे नहीं निकला जा सकता, हम इससे नजरें नहीं चुरा सकते, इस पे आपको तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। मैं तो आपको देखिए पहले ही मलिक साहब कह रही हूँ, चूंकि हमने आज एंटी रेप बिल पार्लियामेंट से पास किया है और उसमें सख्त से सख्त सजाएं भी हैं, उसमें इस तरह के ऑफेंडर्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो मदरसे में हो गया, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हो गया, इनकी बात कर रही हूं, उसका कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। उसका मलिक साहब फिर मैंने पहले कह दिया कि उसका हल ये कि अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, रवैये तब्दीली करने के लिए कोई एक तो पार्टी आगे मूव करे, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को अपने हिस्से का किरदार अदा करना पड़ेगा, उलमाए कराम को किरदार अदा करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को अपनी उसमें से तलाक चौधरी साहब कोई तरीका कार तजवीज भी तो करिए ना, इस पे कोई तरीका कार तजवीज करिए, ये तजवीज आनी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन का वक्त है, इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी का वक्त नहीं है। ये आपके और मेरे सबके बच्चे हैं जो इन यूनिवर्सिटियों इन मदरसों में 10 से 15 लाख बच्चा है जो मदरसों में तलाल साहब जाता है, बहुत सारे यतीम होंगे, बहुत सारे इस काबिल नहीं होंगे कि उनकी माएँ उनको रोटी भी खिला सकती हों, उनकी तहफ़ के लिए आप लोगों का काम है, जिम्मेदारी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो भी मेरे और आपके बच्चे। मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, देखिए पार्लियामेंट को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, और मुझे ये बताएं कि किस दिन पार्लियामेंट ने ये गौर किया है कि कितने मुकदमात इस तरह के हीनियस क्राइम्स के हैं और उसको कितनी देर लगती है, कितनों में इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई है, कितनों में चलान सही पेश हुए हैं, कितने में कितनी देर लोअर कोर्ट्स में लगती है, हायर कोर्ट्स में लगती है। मलिक साहब एक हीनियस क्राइम जो कि अगवा कत्ल दहशतगर्दी 10-10, 15-15 साल लगते हैं सुप्रीम कोर्ट तक बंदे को भुगतते हुए, और मैं आपको बताऊं लोगों की चीजें बिक जाती हैं, लोग कंगाल हो जाते हैं। सो मुझे बताए वो रिफॉर्म जो कि मेरा ख्याल था कि जो मिसिंग है और सबसे बड़ा वादा था पीटीआई का, मुझे ये बता दे कोई एक एफर्ट हुई हो सारे पाकिस्तान के लोगों को बिठाने की? अब तो हुकूमतें भी इनकी हैं सूबों में, अब तलाल साहब ऐसे वाकयात में रियासत खुद फरीक नहीं बन सकती कि ऐसे मुकदमात की पैरवी करे, क्योंकि कंप्रोमाइज़ इसलिए हो जाते हैं कि सबको ये होता है कि इस माशरे के अंदर मेरा तो खानदान पूरा बर्बाद हो जाएगा ये किसी को बात पता चल गई, तो रियासत फरीक बने उसको सजा दे ऐसे सेक्स ऑफेंडर को। देखिए रियासत फ्रीक होती है जी ये इतने इन मामलात में जो कि कत्ल और दूसरे बड़े मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद जब देखे तो ना जब लड़कों का रेप है इसमें कैसे रियासत आएगी? इसका भी आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर तो बड़ा बेज ही देख रहे हैं इस चीज को। मैं उसी को कह रहा, देखे ना इससे पहले रियासत होती है ये बहुत सारे मुकदमा में, लेकिन उसमें भी सुलह हो जाती है, यानी ना गवाह रहता है ना कोई चीजें रहती हैं उसमें, जब स्टेट की तवज्जो ही नहीं रहेगी कि स्टेट मैं खुद मुदई हूं, मैं आपको 20 मुकदमात गिना देता हूं जिसमें स्टेट मुदई थी और कुछ नहीं बना, और बड़े बड़े मुकदमात हैं। सो रिफॉर्म और खुदा का वास्ता है आम आदमी के, ये मसाइल हैं जो आप बात कर रहे हैं, कितने कोर्सेज सुप्रीम कोर्ट में पढ़े हैं किसी ने पूछा, हाई कोर्ट्स में पढ़े हैं, सेशन कोर्ट्स में पढ़े हैं, कितनों में इंसाफ हुआ किसने में नहीं हुआ। जस्टिस गुलजार साहब वो जहाँ नालों का नोटिस ले रहे हैं या तजावजात का, बड़ी अच्छी बात है वो भी नोटिस लें, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है उसका भी नोटिस लें, कानून यहाँ पे भी चाहिए और स्पीडी जस्टिस भी चाहिए। जरताज इसके ऊपर कुछ आप तजवीज़ करें, कुछ तरीकाकार स्टैंडिंग कमेटी में ले जाएं इसको, लेकिन हम भागे नहीं इस इशू से, ये मदरसों वाला इशू बहुत अहम है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाला तो पता नहीं ऐसे भी वाक़ होंगे, मेरे तो इल्म में नहीं था, ये बड़ा अजीब गरीब वाक़ मदरसों में पहले भी केस आ रहा है। मदरसों में तो खैर काफ़ी देर से ऐसे केसेस आते हैं, वीडियोस भी पकड़ी जाती हैं,
और जो बच्चे जिनको इवन घरों के अंदर अगर किसी माँ बाप के आंख से बच्चा उजल हो जाए और वो उसको कुरान शरीफ पढ़ा रहा हो, तब भी ऐसे वीडियोज़ हमने देखी हैं जो इंसान बयान भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको अपने बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, मैंने कैबिनेट मीटिंग्स में अटेंड करती हूँ और वहाँ इस तरह के वाक़यात के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा सख्त स्टांस होता है और वो कहते हैं माफ़ी किसी को नहीं देनी, कोई आपने किसी और मुल्क को नहीं देखना है, आपने अपने मुल्क और अपने माशरे को देखना है, आपने अपने बच्चों को देखना है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी तरफ देखते हैं, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा लेकर आए, लेकिन मलिक साहब क्या पार्लियामेंट में परसों तरसों ख्वातीन ने मार नहीं खाई मलिका बुखारी समेत? क्या परसों तरसों ख्वातीन के करेक्टर असासिनेशन नहीं गई? क्या परसों तरसों पार्लियामेंट की जो ताकतवर ख्वातीन है क्या उनको मारा पीटा और गाली गलोच नहीं की गई? यही पार्लियामेंट जब तहफ़ अपनी उन ख्वातीन को जो आवाज़ उठाती है, पॉलिटिकल राइट्स इस्तेमाल करती है, जब उनको आप गाली गलोच करते हैं, करेक्टर असासिनेशन करते हैं, वर्बल डायरिया कहते हैं, वो तो यहाँ पे मादर मिलत फातिमा जिना को फॉलो करके यहाँ पे खड़ी हुई हैं। प्रोटेक्शन किसी की ज़बान से कोई महफूज नहीं, किसी के करेक्टर से कोई महफूज नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करा लो। बात यह है कि कुछ चीज़ों में माशरे में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती है, और आप ठीक कहते हैं ये 300 लोग 350 लोग जो पार्लियामेंट में होते हैं इसको लोग देखते हैं। लोग क्या देखते हैं कि जो खातून वहाँ पर खड़ी होती है उसको वर्बल डायरा कह दो, जो खातून वहाँ पर खड़ी होती है उसकी आंख पर मार दो, जो खातून वहाँ पर खड़ी होती है उसको किताब मार दो, और फिर आप पोलिटिकल राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े अलग ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट अगर सबसे बड़ा फोरम है तो पार्लियामेंट में आप मत कहें डाइस को, चेयर को मत कहें कि मैं आपको जूता मारूंगा, आप मत कहें कि जी मैं नैब को और फलाने इदारे के ऊपर, ऐसा मत करें। यहाँ पे आप वोट लेकर आते हैं तो कानून साजी करें और आप जवाब लें स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटियां करप्शन बचाने के लिए नहीं है, स्टैंडिंग कमेटियां आपके अपने जो है वो करप्ट लीडरान को बचाने के लिए नहीं है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी देख लेना, नहीं मलिक साहब ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट पे क्यों नहीं स्टैंडिंग कमेटी में आते? मलिक साहब गुजारिश ये है पार्लियामेंट किस तरह की ये चला रहे हैं इनके सामने, ये इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते, और ये बहानेबाजी है जी किताब लगी, ये कर रही, पिछले 3.5 साल तो किताबें नहीं लगी, उससे पहले आपने क्या कर लिया? आप कश्मीर पे भी नहीं बैठते, आप फलस्तीन पे भी नहीं बैठते, आप बजट की मामला वहां भी नहीं बैठते, आप ये बड़े मामला तभी अड्डों का है, आपने क्या किया? पार्लियामेंट को पता इंटरव्यू से लगता है या अखबार से लगता है या न्यूयॉर्क टाइम्स से लगता है? सो पार्लियामेंट को खुदा के लिए ये इफेक्टिव बनाना नहीं चाहते, बनाएंगे तो काम बनेगा, नहीं तो उसके अलावा कोई हल नहीं है। और एक मैं आखिर में आपके बहुत बड़े इश्यूज अड्डों का मामला है, वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अफगान जंग में तालिबान कल क्या करेंगे उसका मामला है, या बच्चों के तहफ्फुज़ का मामला है, इसको हाउस में लेकर जाएं, नेशनल पॉलिसी साजी करें, कहीं पॉलिसी को मौसर बनाना है तो उस पर भी बात करें। जरताज गुल साहब और तलाल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।